hi and Assalamualaikum to another episode of program sochi so today i'm going to talk about very important factor uh, that actually impacts all of us um so you'll think what is it about uh, main aaj baat karne lagi hu attachment styles ke upar Word attachment सुनकर I think हम सबको ही uh, समझ आती है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम किसी चीज़ से uh, किस तरह अटैच होते हैं सो अटैचमेंट बेसिकली होती क्या है अटैचमेंट और अटैचमेंट बॉन्ड जो है बेसिकली इट्स द इमोशनल कनेक्शन दैट यू फॉर्मड विद एज एन इन्फेंट विद योर केयर गिवर प्राइमरी केयर गिवर अब प्राइमरी केयर गिवर कौन होता है uh, ज़्यादातर तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं जिसमें कि मदर का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन अ सेंस कि वो उसका uh, कुछ मंथ्स तक बहुत ज़्यादा कनेक्शन बच्चे के साथ होता है या यू नो इंटरेक्शन बच्चे के साथ होता है और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर फादर का रोल भी बाज दफ़ा इक्वल हो जाता है बट ये कि प्राइमरी केयर गिवर का जब भी हम नाम लेते हैं तो उसमें पेरेंट्स आते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका रोल आता है वो मदर होती है और इन आ, इन सच अ केस वेयर पेरेंट्स जो हैं वो एबसेंट हैं किसी भी वजह से गॉड फॉर बिट अलाइव और दे आर यू नो इन सम अदर कंट्री सो जो भी आ, बच्चे को पालता है आ, उसको हम प्राइमरी केयर गिवर कहते हैं uh, तो अटैचमेंट uh, का जो आपका तरीका है आ, और स्टाइल है वो डिटर्मिन आपका प्राइमरी केयर गिवर ही करता है कि उसने आपको किस तरह की आ, किस तरह का कनेक्शन दिया और उसने किस तरह से आपकी नीड्स पूरी की या नहीं की Uh, कहाँ वो नेग्लिजेंट हुआ uh, उस हिसाब से ही आपका अटैचमेंट uh, स्टाइल बनता है सो नाउ वी टॉक अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स मैंने आपको बताया कि वो फॉर्म किस तरह होता है या बेसिकली उसकी डेफिनेशन uh, क्या है लेकिन जब हम बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल की तो उसमें दो तरह की अटैचमेंट्स आती हैं uh, जिसमें कि एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल आएगा और एक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल आएगा अब सिक्योर अटैचमेंट जो होगी वो आपको नाम से ही पता चलेगी कि वो एक यू uh, नो you know, आप उसमें सिक्योर फील करते हैं और आप सिक्योर इंडिविजुअल होते हैं फिर आती है इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जिसमें कि तीन फर्दर कैटेगरीज़ हैं जिसमें एनशियस अटैचमेंट स्टाइल है अवॉइडेंट है देन फेयरफुल अवॉइडेंट है uh, इस के अंडर जो लोग आते हैं जिन्होंने इस तरह का अटैचमेंट बॉन्ड क्रिएट किया होता है या उनको मिला होता है या फॉर्म्ड होता है इन द अर्ली चाइल्डहुड वो किस तरह से बिहेव करते हैं उनकी पर्सनैलिटी टाइप किस तरह की होती है वो आई गिव यू अ लिटल इन्फॉर्मेशन जैसे कि सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के साथ जो बच्चा बड़ा हुआ होगा अडल्ट बनेगा वो कॉन्फिडेंट होगा रेसिप्रोकल होगा नॉन रिएक्टिव होगा और वो अपने रिलेशनशिप्स को इसी हिसाब से हैंडल करेगा तो होता ही कि जैसी जो हमें बचपन में मिला होता है आ, हम उसी को इंटरनलाइज करते हैं और जब हम इंटरनलाइज करते हैं इंटरनलाइज करने का मतलब ये कि हम उसको अपनी ही आवाज़ या अपना ही स्टाइल बना लेते हैं तो हम जब फिर आ, जिस तरह हमें ट्रीट किया गया होता है जो जिस तरह हमें प्रोवाइड किया गया होता है इमोशनल कनेक्शन तो फिर जब हम आ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं एज एडल्ट्स तो फिर हम भी लोगों से रिलेट उसी तरह करते हैं एंड देन जैसे मैंने बताया कि पीपल विद सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल विल बी कॉन्फिडेंट रेसिप्रोकल नॉन रिएक्टिव तो फिर वो दूसरे लोगों के साथ भी उसी तरह रिलेट करते हैं जिस तरह का ट्रीटमेंट और अटैचमेंट बॉन्ड उनको क्रिएट uh, करने के लिए मिला था विद द प्राइमरी केयर गिवर प्राइमरी केयर गिवर ने जो उनको प्रोवाइड किया वही आगे जाकर वो ट्रांसलेट होगा इनटू देयर एडल्ट रिलेशनशिप्स ओके सो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की ही अभी तक हम बात करें सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड जितना ईजी करके समझा सकूँ बाई एक्सप्लेनिंग इट कि सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल कैसे बनता है सो वॉट डज अ प्राइमरी केयर गिवर डू दैट यू नो गिवज यू और और मेक्स यू फॉर्म अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल सो इफ यूर प्राइमरी केयर गिवर मेड यू फील सेफ अंडरस्टूड इफ़ दे वर एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर फिजिकल एंड योर Your emotional needs as well. If they could interpret your cries and you know your your asking for attention in accurate manner, and then you know um, by understanding or interpreting it in a right way, then when they responded you accurately, then you are able to kind of get a secure attachment style and form uh, that kind of style. So. These are the qualities of a caregiver. If the caregiver is present, giving you attention, listening to um, your need for, um, you know, your emotional needs or when you are crying, a child would, this is how a child would communicate his needs, you know, by crying or by sometimes throwing a tantrum and all. Uh, so, when they are attentive towards all this and interpret it in a positive in a healthy way then such children will be able to develop a healthy um, attachment style and when they go into um, their own practical lives they will give the same kind of secure attachment to other people now comes uh the insecure attachment styles just may anxious avoidant fearful uh, fearful avoidant ki baat kiye. anxious mein, aap mostly such children when they uh, come into adulthood uh, they'll be emotionally hungry and I'm talking about how they behave in relationships so they'll be emotionally hungry fantasy bond create karenge um, l they would lack uh, you know nurturing, टर्बुलेंस होगी उनके रिलेशनशिप्स में और बिहेवियर्स में इसी तरह अवॉइडेंट स्टाइल जो होगा उसमें आइसोलेशन होगी और मोस्टली ऐसे लोग आइसोलेशन में खुद भी रहते हैं और दूसरे लोगों को भी आइसोलेटेड फील कराते हैं एंड दिस इज ऑल नॉट हैपनिंग ऑन अ कॉन्शियस लेवल इट्स अ पैटर्न दैट इज डिवेल्प्ड बेस्ड ऑन द अटैचमेंट स्टाइल दे डिप्ड या इंबिग्विटी होगी इमोशनली डिस्टेंट होंगे ऐसे लोग Uh, फिर नंबर फोर जो लास्ट है वो आता है फेयरफुल अवॉइडेंट पर्सनैलिटी उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा उनको पता नहीं होगा कि यू नो वट डू दे एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम देयर रिलेशनशिप ड्रामेटिक होंगे अनप्रिडिक्टेबल होंगे सो um, so ये सब वो ट्रांसलेट करेगा उनके बिहेवियर में हाउ दे विल रिलेट टू अदर पीपल सो वो रिलेशनशिप उनके Uh, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप uh, को सफ़र करवाएगा चाहे वो आप उनका इंटीमेट uh, रिलेशनशिप हो रोमांटिक रिलेशनशिप हो उनका अपने सिबलिंग्स के साथ फ्रेंड्स के साथ ऑफिस तो में तो हर जगह ये जो अटैचमेंट स्टाइल उन्होंने शुरू में डेवलप किया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे कुड फॉर्म विद द प्राइमरी केयर गिवर और उसमें रोल सारा प्राइमरी केयर गिवर का ही है कि वॉट डिड ही और शी प्रोवाइड टू द चाइल्ड So, people, uh, adults with insecure attachment style, they will grow into adults who have uh, difficulty understanding their own emotions and feelings of others. Um, actually, they will li be limiting their ability to build or maintain uh, stable relationships. Uh, they will find it very difficult to connect with people. Uh, so, mm, insecure attachment style. Uh, will give you difficult relationships, and and such people will always find themselves um, having difficulty in um, you know creating a normal or a positive bond with other people. All right. So now you must be thinking that ye attachment style, uh, ki knowledge, know, Okay. So now we know this is the kind of uh, parenting we got, or this is the kind of attachment style we have. तो उसका इसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ही अगेन द अवेयरनेस ऑफ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड योर अटैचमेंट स्टाइल यू कैन एक्चुअली गेट वाइटल क्लूज एज टू वाई यू हैव डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स वाई डू यू ऑलवेज रिलेट टू द अदर पर्सन फ्रॉम सेम स्पेस नो sometimes people get over reactive and all and they don't understand why they are behaving a certain way sometimes you know uh, they're clueless why would they always uh, instead of responding react so if you understand your own attachment style and identify it um, that will help you to know uh, why is it happening to you okay and another benefit of uh, identifying your attachment style is that you are Actually, capable of uh, changing your insecure ways of relating to others and changing your reactive ways of relating to others, and have a more healthier um, way of actually, you know, relating with uh, whoever comes in your life. And um, actually, you should understand that okay, whatever difficulty you have developed in your relationships or whatever the problem area is, it is. Uh, Always possible, your brain remains um, actually capable of change, and you can change these scripts, these patterns that are developed uh, because of the time uh, that you are actually, you know, it wasn't under your control. So, you were an infant, you were a child, and you uh, did not actually determine how you would be treated by the caregiver. Um, so, yeah, those caregivers who were absent, who lacked the ability to actually listen to or respond to the needs of an infant, um, and there are so many reasons for a caregiver not to be present. He or she could be busy in their work, or maybe they themselves are going through a very difficult period of their time when the child is born, and they are not. Present enough for the child, or they are not emotionally well themselves that you know um, they actually correctly interpret what the child is needing, or maybe they are not uh, responding to the child's need um, on time. And uh, when you delay the needs of a child or anybody, you know you are kind of exposing the child towards. Um, Towards anxiety and and developing depression from a very uh, young age. All right. So mm, I hope that you score identify your attachment styles. Ko, uh, I know it's a little technical and. Um, Maybe it takes time, if it takes time, you can you know watch this show twice or thrice and then try to understand. and there is a lot of literature also available. Um, and I would before going, I would like to tell you that this attachment theory um, is actually given by a British uh, psychiatrist. Uh, his name was uh, Bolby and um, American psychologist, uh, and her name was um, Mary. So, these both uh, presented this attachment theory, and it's a beautiful, beautiful theory, and it makes all the sense in the world uh, that you know, whatever we are, we are a product of how we were treated um, in our primary years. Uh, and there is so much more information also that you know, I'm trying, I'm feeling to give you, uh, you know, I'm wanting to give you, but uh, I'll give you inshallah in some of my other shows. Um, right now, I would want you and I would leave you. Uh, with the thought that you know, understanding your own patterns um, is a first step to improve yourself. So, inshallah, I'll see you in another episode. Uh, till then, Allah Hafiz. <laughs>